और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी है और बुधवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 10:46 तक रहेगी, उसके बाद पंचमी लग जाएगी। आपको बता दूं कि कल यानी 30 जनवरी को देर रात 2:54 पर बुध कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जिसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि कल ही है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 12:13 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र लग जाएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर शनि का स्वामित्व है, यानी सीधे शब्दों में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि सच का साथ देते हैं और न्याय करते हैं। साथ ही आज सुकर्मा योग और गुरुवार का दिन है, बहुत सुंदर योग। गुरु शनि के मित्रों की श्रेणी में आते हैं और देवगुरु के आगे शनिदेव बड़े विनम्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद का अर्थ होता है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दौरान शनिदेव के साथ साथ नीम के पेड़ की भी उपासना करनी उचित है, क्योंकि नीम के पेड़ का संबंध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से बताया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि आज के दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दौरान उन लोगों को विशेषकर नीम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए जिनका जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो या जिनके नाम का पहला अक्षर दा था और झा से शुरू होता हो। ऐसा करने से आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन साथ ही यहाँ आपको एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि आज के दिन आपको नीम के पेड़, उसकी लकड़ी या उसकी पत्तियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। इसके अलावा नीम से बनी किसी भी चीज़ जैसे नीम का साबुन, नीम का फेस वॉश आदि को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इससे आपको मिलने वाले विशेष फलों की शुभता बनी रहेगी। इसके अलावा आपको बता दूं कि आज रवि योग और कुमार योग दोनों एक साथ हैं। रवि योग आज दोपहर 12:13 तक रहेगा और कुमार योग सुबह 10 से शुरू होकर 12:13 तक रहेगा। ये दोनों ही योग बड़े शुभ माने जाते हैं। जहां एक तरफ रवि योग अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से आसपास का सब अच्छा रखने में मदद करता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुमार योग सबके साथ दोस्ती का रिश्ता स्थापित करने में मदद करता है। साथ ही ये विद्या प्राप्ति में भी सहायक है। अतः आज के दिन रवि योग और कुमार योग दोनों एक साथ पढ़ने से आज का दिन बेहद खास हो गया है। ये संयोग बड़ा ही शुभ है। सूर्य के प्रभाव वाला रवि योग बहुत ही प्रभावशाली है। इस योग में किए गए कार्य को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता, बल्कि सब अच्छा ही अच्छा होता है और रवि योग व्यक्ति को अपने अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। इस दौरान किए गए कार्यों से सुख समृद्धि और सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इस दौरान खरीदारी करना भी बड़ा ही शुभ होता है। इसके अलावा कुमार योग दोस्ती के संबंध को मजबूत बनाने के लिए, अपने रूठे दोस्त को मनाने के लिए और विद्या के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बड़ा ही प्रशस्त। तो ये थी आज के योग और नक्षत्र से जुड़ी कुछ बातें। और अब बात करते हैं आज के विशेष टॉपिक की, यानी बुध के कुंभ राशि में गोचर की। जैसा कि आपको अभी बताया, कल देर रात 2:54 पर बुध कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 2.5 तक 7 अप्रैल दोपहर 2:21 तक यहीं रहेंगे। बुध ज्योतिष विद्या शिल्प कंप्यूटर वाणिज्य और चतुर्थ तथा दशम भाव के कारक हैं। ये बुद्धि और वाणी के देवता हैं। इनका संबंध, इनका सीधा प्रभाव दिमाग से मेहनत वाले कार्यों और वाणी से प्रभावित कार्यों पर पड़ता है, जबकि शरीर में मुख्य रूप से गले और कंधों पर इसका प्रभाव रहता है। फिलहाल बुध के कुंभ राशि में इस गोचर से विभिन्न राशि वालों के जीवन पर क्या असर होगा, बुध अपनी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही बुध की शुभाशुभ स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हम इस सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपकी संतान शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहेगी। आप मेहनत के बल पर धन अर्जित कर पाएंगे। इस दौरान आपकी कोई खास इच्छा भी पूरी हो सकती है। इसके अलावा आप 7 अप्रैल तक थोड़े शर्मीले स्वभाव के रहेंगे, लेकिन आप हर कार्य में योग्य भी होंगे, मतलब हर काम आप कर भी पाएंगे। अतः 7 अप्रैल तक अपनी इच्छा पूरी करने के लिए और शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको अपने गले में तांबे का पैसा धारण करना चाहिए। अगर धारण नहीं कर सकते तो उसे अपने पास रखिए, इससे ही आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, शुभ फल पाने में आसानी होगी। और वृष राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपने करियर में सफलता की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके पिता के जीवन में भी तरक्की सुनिश्चित होगी।
आप अपने कामों को मन लगाकर पूरा करेंगे। 7 अप्रैल तक आपकी प्रसन्नता बनी रहेगी, साथ ही इस दौरान आपकी तिजोरियां मोतियों से भर जाएंगी, यानी आपकी आर्थिक स्थिति हर तरह से बेहतर बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आप समुद्री यात्रा के जरिए अपना बिजनेस करते हैं या अब से 7 अप्रैल के बीच आप बिजनेस संबंधी किसी यात्रा के लिए जा रहे हैं तो यह यात्रा आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। अतः बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना करें, हो सके तो इस दौरान दुर्गा सप्तशती मंत्र का पाठ भी के मंत्रों का पाठ भी करें। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थैः स्मृता मतिमति व शुभाम ददासि। दुर्गे स्मृता भीतिमशेष जंतु, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतोः, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतोः स्वस्थैः स्मृता मतिमति व शुभाम ददासि। इससे आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और मिथुन राशि वालों, बुध आपके नवें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। जीवन में भाग्य का साथ बना रहेगा, आपके कामों की गति तेज होगी, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, साथ ही पैसा कमाने के लिए की गई आपकी मेहनत सफल होगी। अतः 7 अप्रैल तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए लोहे की लाल रंग की गोलियां अपने पास रखें और हरे रंग की चीजों को उपयोग में लाने से बचिए। लोहे की गोली लेके उस पर लाल रंग लगा सुखा लीजिए, उसको रखिए अपने पास। इससे आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा और आपके धन में बढ़ोतरी भी होगी। कर्क राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, साथ साथ अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखिए। इसके अलावा आपको अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक रखने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। तो आज से 7 अप्रैल तक बुध की अशुभ स्थिति से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मिट्टी के बर्तन में पिसी हुई शक्कर डालकर उस पर ढक्कन लगाकर कहीं एकांत स्थान पर दबा दीजिए। इससे आप सभी परेशानियों से बचे रहने में सफल होंगे और आपको बुध के शुभ फल प्राप्त होंगे। सिंह राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाने और उनसे मदद पाने के लिए थोड़ी कोशिश करनी पड़ सकती है, खास करके अपने जीवन साथी के साथ। साथ ही आपके धन में बढ़ोतरी होने के आसार भी कम ही हैं। अतः 7 अप्रैल तक बुध के अशुभ फलों से बचने और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए पानी में भिगोए हुए हरे मूंग मंदिर में दान करें। इससे आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। और कन्या राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपके मुख से निकले हुए शब्द प्रभावशाली होंगे, दूसरे लोग भी आपसे बहुत प्रभावित होंगे। आपका धैर्य आपको लाभ दिलाने में मदद करेगा। शिक्षा संबंधी कार्यों के साथ साथ कृषि और लेखन कार्यों से भी आपको लाभ होगा। इसके साथ ही 7 अप्रैल तक आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी और आपके धन में भी बढ़ोतरी होगी। अतः बुध के शुभ फल प्राप्त करने के लिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद जरूर लीजिए। और 7 अप्रैल तक सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का जप नित्य प्रति करें, इससे आपको अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति हो। और तुला राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के दौरान जीवन साथी के साथ बातचीत करते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इस दौरान आपको विद्या का लाभ पाने के लिए उचित मेहनत की आवश्यकता है, साथ ही संतान पक्ष की ओर से सुख मिलने में आपको कुछ समय लग सकता है। इसके अलावा 7 अप्रैल तक आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए। तो बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ स्थितियों से बचने के लिए गाय की सेवा करें और उसे अपने हाथों से हरी घास खिलाएंगे, आपको शुभ फल जरूर प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको अपनी मेहनत के बल पर भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपको भूमि भवन और वाहन का लाभ मिलेगा, साथ ही आपको माता से सहयोग मिलता रहेगा। इस दौरान किसी भी कार्य के प्रति आपका धैर्य आपकी सफलता का सूचक होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, साथ ही आपके परिवार के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। अतः 7 अप्रैल तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाइए या थोड़ा सा केसर एक डिब्बी में लेकर अपने पास रख लीजिए, इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। धनु राशि वालों,
बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे। आपको अपने कार्यों में भाई बहनों का हर तरह से सहयोग प्राप्त होगा। आप दूसरों के सामने अपनी बातों को अच्छी तरह रख पाएंगे। आर्थिक रूप से भी 7 अप्रैल तक का समय आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आपको अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा। अतः 7 अप्रैल तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए, यश और कीर्ति की वृद्धि के लिए सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। साथ ही 7 अप्रैल तक प्रतिदिन जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र का जाप अवश्य करें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इसका नियमित जाप करें, आपको बेहद लाभ होगा। और मकर राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको आर्थिक पक्ष को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा। इससे आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। इस दौरान आपको पैसों के लेन देन में सावधानी बरतने की जरूरत है। साथ ही आपको किसी को भी उधार पैसा देने से बचना चाहिए। व्यापार में वृद्धि के लिए भी आपको अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। अतः बुध के अशुभ फलों से बचने और शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको अपने पास चांदी की कोई चीज़ हमेशा रखनी चाहिए। इससे आपकी परेशानियाँ कम होंगी। कुंभ राशि वालों, बुध आपके पहले स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको राजा के समान सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। साथ ही आपको भरपूर यश सम्मान की प्राप्ति होगी। आपको हर तरह के भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति में सहायता प्राप्त होगी। 7 अप्रैल तक पैसों से संबंधित आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इस राशि की महिलाओं की स्थिति भी बेहतर रहेगी। आपके करियर में लाभ की स्थिति बनेगी। आपकी संतान को भी लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अतः बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए हरे रंग की वस्तुओं का दान करें। इससे आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी और करियर में आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। मीन राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको मेहनत के बल पर धन लाभ होगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। साथ ही आपके पारिवारिक रिश्ते मजबूत होंगे। इसके अलावा बहन बुआ और मौसी के साथ आपके संबंध ठीक बने रहेंगे। जीवन साथी से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप इस दौरान थोड़ा अपने खर्चों पर लगाम लगा कर रखेंगे तो सब अच्छा होगा। अतः बुध के शुभ फलों को प्राप्त करने और अशुभ फलों से बचने के लिए मंदिर में मिट्टी का घड़ा दान करें। इससे आपके परिवार के सभी सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहेगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज बुध के कुंभ राशि में गोचर के बारे में। बुध के कुंभ राशि में गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, बुध उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे, उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, नुकसान कैसे रोकें, फ़ायदा कैसे पाएं, हमने आज इसके बारे में चर्चा की है।